किसान आंदोलन को आज 51 दिन हो गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। पिछले 51 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। ठंड हो, कड़कड़ाती हाड़ कपाती ठंड, बारिश, कोई भी परिस्थिति, हर तरह के इंतजाम में किसान डटे हैं। अपनी एक ही मांग को लेकर, तीनों बिलों को वापस लो, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां लाखों की तादाद में किसान बैठे हैं। और हर जगह जब हम आ रहे थे तो इंतज़ाम कर रखे हैं हर जगह के, चाहे सर्दी के हो, बचाव हो और लंगर की व्यवस्था हो, हर चीज़, हर इंतज़ाम यहां पर है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी आवाज़ बुलंद है और आंदोलन कब तक चलेगा ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए पूरे इंतज़ाम यहाँ पर है। आज एक कह सकते हैं अहम दिन है किसानों के लिए भी, क्योंकि एक बार फिर वार्ता है, 9वें दौर की ये वार्ता है। और उम्मीद है किसानों को भी कि जिस नेताओं को चुनकर उन्होंने खुद सत्ता में भेजा है, वो नेता इनके दुख और दर्द को देखकर आज ये समझेंगे कि किसान दर्द में, और इनके समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और जो कमेटी बनाई उसमें वो कमेटी भी लगभग अस्त व्यस्त हो चुकी है। उनमें से एक भूपेंद्र सिंह मान है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरह से कहने का तरीका, तात्पर्य यह है कि आज एक अहम दिन है किसानों के लिए। और गाजीपुर बॉर्डर पर हम हैं और लगातार अपडेट्स भी देते रहेंगे आपको, जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। पूरा किसान आंदोलन में समर्थक भी जुटे हैं, लाखों की संख्या में है, आप तो आप मान सकते हैं कि पूरे तरह से व्यवस्थाएँ भी हैं और किसान आंदोलन को लेकर किसान पूरे जोश में है। लगातार अपडेट्स देते रहेंगे आपको। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ अदिति।